हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक पॉली। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? अब स्टार्ट करते हैं अपना हम नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं हमें करना क्या है। एक तो इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, वो टॉपिक आपका रह गया था तो मुझे लगा कि वो भी कवर करा देना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो टॉपिक आपको स्पेशली करके ही जाना है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, डेरिवेशन है सिंपल, बड़ी आसानी से करेंगे, मजा आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। दूसरा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 6, कैम एंड फॉलोवर। ठीक है, वो चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सर ने इसके न्यूमेरिकल्स स्किप कर दिए। उसी के पहले या उसके जस्ट बाद, एक या दो लेक्चर में अब के बाद आपका न्यूमेरिकल का लेक्चर इसका आएगा, चैप्टर 5 का, फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल्स हम उसमें कवर करेंगे, तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये मत सोचिएगा कि सर ने न्यूमेरिकल्स स्किप कर दिए या कोई डेरिवेशन स्किप कर दिया, जो चीज चल रही है वो सिस्टमेटिकली चलेगी। ठीक है ना, और जो चैप्टर्स है सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे हैं सर सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कहां है, वो भी करेंगे, पेशेंस रखो थोड़ा सा, वो भी करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया हमारा पूरा, चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, देन 7 करेंगे, 8 करेंगे, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे। कुछ भी छोड़ना नहीं है, अभी काफी टाइम है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, सब कुछ कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, उच्चवाच ऊर्जा के उच्चावचन गुणांक, इसको बोलते हैं ऊर्जा के उच्चावचन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़ा सिस्टमेटिकली समझना है। अब समझो पहले फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है। अब हम सब जानते हैं कि फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि कोई, ये एक लाइन है, लाइन है, ठीक है, टर्निंग मोमेंट का, ये ऐसी लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, और ये बनाते हैं मीन की लाइन, ये मीन है, टी मीन है यहां पर। ठीक है, अब देखो टर्निंग मोमेंट टी मीन है, अब टर्निंग मोमेंट से एनर्जी जो अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो ऐसे कर रही होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, ऐसे ही तो एनर्जी चल रही होगी ना, बिल्कुल चल रही होगी, जैसे स्पीड चल रही थी, स्पीड में भी तो फ्लक्चुएशन हो रहा था ना, सेम उसी तरह एनर्जी में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अब देखो सपोज, अब ये कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पहले एनर्जी है, सपोज अभी मैं इस पॉइंट पर हूं, इस पॉइंट पे हूं, तो एनर्जी फ्लक्चुएट हुई तो क्या हुआ, टर ऊपर गए, ठीक है, ये पॉजिटिव वाली एनर्जी निकली। अब E2, ये E1 है, E1 मैक्सिमम एनर्जी, E2 मिनिमम एनर्जी, तो ये मैक्सिमम एनर्जी का ग्राफ है और ये मिनिमम एनर्जी का ग्राफ है। अब देखो ये कैसे चलेंगे, टर E1 टर E2, तो अब क्या हुआ, तो अब ये नीचे आ जाएगा, E1 वाला नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, ये हाथ शायद इसमें दिख नहीं रहा है, अब देखो ये नीचे आ गया, ये चल गया, तो इसी तरह ये चलेंगे, ये फ्लक्चुएशन होता है, ये फ्लक्चुएशन टर 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 टर, इसी तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ग्राफ बन रहा है, इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इसका क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, इसको क्या होता गया, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप समझिए कि डेफिनेशन है क्या इसकी, वो मैं आपको करा दूं। बड़ा ही मतलब इसको बुक में ऐसा डिफिकल्ट करके बनाया जाता है कि आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, तभी फिर हम आते हैं बीच में कहीं से और इसको आसान बना देते हैं। अब देखो कैसे करना है इसको, इसको बोलते हैं कि ये रेशो है किसका, इट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, किसका रेशियो है, रेशियो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का किससे, टू द वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन की जब बात चल रही है, इसको और अच्छे से समझना है ना, तो आप मेरे टोम के दो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, एक लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, दोनों लेक्चर जरूर देख लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 एंड 6, एक में मैंने सारे डेरिवेशन कराए हैं 6 में, और 5 में मैंने इंजन के बारे में पढ़ाया, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, तो उससे आपको पावर का पता चलेगा किसको कितनी साइकिल में पावर मिलती है। अब देखो मैं जानता हूं कि अगर मेरा 4 स्ट्रोक इंजन है, सपोज वो 200 आरपीएम या 100 आरपीएम पे रोट चल रहा है, तो मुझे पावर कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी उसकी,
है ना, हमें पता है दो साइकिल में कंप्लीट करता है तो पावर कितनी मिलती है, सिंगल मिलती है। ये हमने किसमें पढ़ा, लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा। और टू स्ट्रोक इंजन में कितनी मिलती है, हर साइकिल में एक बार पावर मिलती है। तो अगर 100 आरपीएम पे चल रहा है टू स्ट्रोक इंजन तो पावर भी कितनी मिलेगी, 100 ही मिलेगी। और फोर स्ट्रोक इंजन अगर 100 आरपीएम पे चल रहा है तो कितनी पावर मिलेगी, 50 मिलेगी, उसकी हाफ मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना, अभी लिखवा दूंगा इसको। दूसरा, अब इसको हिंदी में भी एक बार लिख लिया करो, बच्चों का हिंदी में रहता है तो इसको लिखे कि इंजन के अधिकतम ऊर्जा उच्चवाचन एवं प्रति चक्र किए गए कार्य के अनुपात को कहते हैं क्या, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब देखो बच्चों इसको आगे कैसे करेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है E से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो E इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो रहा है तो E1 माइनस E2 वर्क डन पर साइकिल का इसका रेशियो है, तो वर्क डन पर साइकिल, ये आ गया इसका फॉर्मूला, बुक में यहीं पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखो वर्क डन, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल, वैसे तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिखते रहना साथ साथ मेरे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, ये तो हमें पता है क्या है, फ्लाईव्हील है, और फ्लाईव्हील एक ही जगह पे घूम रहा है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर लीनियर वेलोसिटी क्यों नहीं ली, क्योंकि बेटा ये लीनियर नहीं चल रहा है, फ्लाईव्हील तो एक जगह पे रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर ली है उसमें, इसीलिए इसमें क्या एंगुलर है। अब जब एंगुलर फोर्स लग रही है तो वो कौन सी फोर्स होती है, रोटेशनल फोर्स, जो घुमाती है, घुमाव गुण टॉर्क। तो यहां क्या आ गया टी। अब डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, जब एक ही जगह पे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, किसी एंगल पे होगा, उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, टी इंटू थीटा। ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, आ गया ये हमारा फॉर्मूला फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किसकी, फ्लाई व्हील की आ रही है। अब देखो, अब मुझे पता चल गया, अब टी कौन सा होगा, यहां पे टी है क्या, यहां पे टॉर्क है, टॉर्क है ना, लेकिन टॉर्क भी कौन सा लेंगे, हम एवरेज टॉर्क लेंगे, यानी कि टी मीन लेंगे, एवरेज लेंगे ना, दोनों टॉर्क का ना मैक्सिमम ले सकते ना मिनिमम ले सकते, फ्लक्चुएशन हो रहा है तो मीन लेंगे। जब मीन लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा टी मीन इंटू थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू टी मीन इंटू थीटा, ये बना इसका फॉर्मूला। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे टी मीन को, अब टी मीन तो निकालना आना चाहिए ना, टी मीन नहीं निकलेगा तो वर्क डन कैसे निकलेगा। तो टी मीन के लिए हमने एक पावर का फॉर्मूला, हमें याद है कौन सा फॉर्मूला है, जो हम मशीन डिजाइन में भी पढ़ के आए हैं, है ना, पीछे भी पढ़ा है बहुत बार, P इज इक्वल टू 2πNT/60। ये फॉर्मूला हमें पता है पावर का, ये हम जानते हैं। अब यहां पे T क्या होगा, T मीन होगा, कौन सी टॉर्क होगी, एवरेज टॉर्क होगी यहां पे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं टी मीन निकालूं बच्चों तो सिंपल टी मीन कैसा आएगा, बस क्या करो इसको पी को इधर लाओ, इधर ले जाओ उसको, तो क्या आएगा, पी इंटू 60 डिवाइड बाई 2πN इज इक्वल टू टी मीन। ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ये फॉर्मूला आ जाएगा टी मीन का, बिल्कुल आ जाएगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम जानते हैं कि जब थीटा की हम बात करते हैं, थीटा तो थीटा क्या लेंगे, थीटा, अब थीटा भी तो पता होना जरूरी है ना, टी मीन तो पता कर लिया, कहां से आ गया, इस फॉर्मूले से आ गया, पी इज इक्वल टू 2πNT/60 से आ गया, जिसमें हमने टी को टी मीन ले लिया क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही है। अब देखो इसको याद रखना है तुम्हें, टर को याद रखना है, ये टर करते रहना तभी फ्लक्चुएशन होगा, नहीं तो होगा नहीं। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चलाना हाथ को, मैक्सिमम और ये मिनिमम, एक बार ये चलेगा एक बार ये चलेगा, पूरा डांस करना है मेरे साथ। अब देखो जहां भी पढ़ रहे हो खड़े होकर के एक बार फ्लक्चुएट करके देख लेना अपने आप को। अब देखो क्या करना है, अब थीटा, जब मैं थीटा निकालूंगा, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा तो हमें पहले से ही पता है क्या, कि थीटा बराबर होता है 2π के, थीटा बराबर होता है किसके, 2π के, कब,
किसके लिए? फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन के लिए, फोर टू स्ट्रोक इंजन, ये हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि टू स्ट्रोक इंजन क्या करता है, टू पाई पे अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जीरो पाई टू पाई साइकिल कंप्लीट हो गई, और थीटा बराबर होता है फोर पाई के। भाई जो टू स्ट्रोक इंजन है वो जब 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, टू पाई की वैल्यू क्या होती है 360, तो 360 डिग्री जब वो घूमता है पूरा तो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पावर मिल जाती है बिल्कुल। लेकिन जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है वो दो बार घूमता है, आधा एक बार घूमेगा फिर एक बार घूमेगा तब एक बार पावर मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो गई वैल्यू, फोर पाई हो गई, 360 फोर पाई हो गई। तो ये किस फोर थीटा फोर पाई के बराबर आया किसके लिए, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। दिख रहा है यहां तक, ठीक है। अब देखो फोर स्ट्रोक इंजन के लिए यहां तक आ गया, अब अनदर फॉर्मूला क्या है वर्क डन पर साइकिल का, एक फॉर्मूला तो ये हो गया सिंपल है वर्क डन पर साइकिल का, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला एक और आ जाता है इसका, वो भी आपको याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला एक आपका ये आ गया, सारी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। देखो अगर आपको निकालना है क्या मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन वर्क डन पर साइकिल, और वर्क डन पर साइकिल कैसे निकलेगा, टी इंटू थीटा। टी इंटू थीटा क्यों लिया, क्योंकि फोर्स कौन सी लग रही है, टॉर्क लग रही है, रोटेशनल फोर्स लग रही है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, थीटा की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी एंगल पे तो घूम रहा होगा फ्लाईव्हील, है ना, सपोज एक टॉर्क लगी, बना लेते हैं ये टॉर्क है, ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील है, इस पे मैंने टॉर्क लगाई, तो सपोज फ्लाईव्हील इतना घूमा, ये किसी एंगल पे रोटेट किया ना, ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में हुआ, थीटा की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जब ये आ गया, अब टी टॉर्क कौन सी लेंगे, टॉर्क लेंगे मीन, क्यों, एवरेज टॉर्क चाहिए, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, फिक्स तो है नहीं, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जब हमने टी मीन लिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू टी मीन इनटू थीटा, ठीक है। थीटा तो हमें पता है कि भैया थीटा 2 पाई रहेगा किसके लिए, टू स्ट्रोक इंजन के लिए, और 4 पाई रहेगा किसके लिए, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। थीटा 2 पाई क्यों है टू स्ट्रोक इंजन के लिए, क्योंकि जो टू स्ट्रोक इंजन है वो 360 डिग्री पे जब एक बार घूम जाता है तो अपनी एक कंप्लीट साइकिल पूरी करता है और एक बार में एक बार पावर हमें मिल जाती है। लेकिन 4 पाई क्यों है फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, क्योंकि ये एक बार में पावर नहीं देता, दो बार ऐसे घूमेगा तब एक बार पावर मिलेगी। इसको और अच्छे समझने के लिए लेक्चर नंबर 5 देख लेना। अब देखो थीटा पता चल गया, अब टी मीन कैसे कैलकुलेट करना है, तो टी मीन के लिए मुझे पता है कि टी मीन कैसे निकालूंगा, पी इज इक्वल टू 2πNT/60 फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहां से टी मीन मैं निकाल लिया कि पी इंटू 60/2πN टी मीन, थोड़ा सा इसको इधर उधर किया और निकल के आ गया। अब देखो टी मीन में मुझे पता लग गया वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का एक और फॉर्मूला भी होता है उसको भी ध्यान से रखो, कभी कुछ बुक में वो लिख दिया हो आपको और आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, तो उससे परेशान मत होना, उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, वो फॉर्मूला है वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल, जो वर्क डन पर साइकिल है वो बराबर होती है किसके, पी इंटू 60 अपॉन एन के, पी इंटू 60 अपॉन एन के, और एन क्या है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक है पर मिनट, है ना, एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर साइकिल, पर साइकिल है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर साइकिल। अब देखो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर साइकिल पर मिनट रहा है, पर नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर साइकिल पर मिनट, पर साइकिल ही लिखो। अब देखो एक साइकिल में कितने स्ट्रोक मिल रहे हैं वर्किंग स्ट्रोक, यानी कि
वर्किंग स्ट्रोक क्या है भाई? पावर स्ट्रोक, मतलब कि एक साइकिल में कितने पावर स्ट्रोक मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप तो जानते हैं वर्किंग स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, अब मुझे याद रखना है क्या क्या इसको किस तरीके से याद रखेंगे। जैसे एन है, एन क्या है, आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। सपोज एक मेरा इंजन है वो 100 आरपीएम पर घूम रहा है, 100 आरपीएम पर घूम रहा है, कौन सा इंजन है ये 2 स्ट्रोक इंजन है मेरा, 2 स्ट्रोक इंजन है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितनी पावर मुझे मिल रही होगी, कितनी पावर मिलेगी मुझे, 2 स्ट्रोक इंजन है तो कितनी पावर मिलेगी मुझे, पावर स्ट्रोक कितने होंगे इसमें। अगर 100 आरपीएम पे घूम रहा है तो 100 रिवोल्यूशन पर मिनट है, भी पर मिनट ही आएगा बच्चा, पर मिनट ही आएगा, ठीक है। अब 100 आरपीएम पे घूम रहा है तो 100 आरपीएम पे अगर ये घूम रहा है इंजन तो मुझे पावर स्ट्रोक कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है, एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक मुझे मिल जाता है तो 100 ही पावर स्ट्रोक मुझे मिलेंगे, 100 पावर स्ट्रोक। लेकिन सेम अगर मेरा एन 100 आरपीएम है, मेरा एक इंजन है जो 100 आरपीएम पे घूम रहा है, कौन सा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो अब मुझे पता है कि जब 2 साइकिल ये कंप्लीट करेगा तब एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, तो एन क्या हो जाएगा, एन बाई 2, यानी कि 50 पावर स्ट्रोक ये मुझे मिलेंगे, 50 पावर स्ट्रोक, ये आपको याद रखना है। तो अब हम मुझे पता चल रहा है ना कि पहले वाले में मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, बराबर है ना, दोनों बराबर है। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक इज आर हाफ ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। वर्किंग स्ट्रोक क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, रिवोल्यूशन पर मिनट के। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपका ये डेरिवेशन यहां पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए, अब काफी अच्छे से आपको बना दिया है, एक बार क्या रिकॉल करा देता हूं आपको, फिर भी आपको क्या करना है, कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का है ये डेरिवेशन, है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब समझो कि इसका क्या, ये क्या है, ये रेशियो है किसका, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का, किससे, वर्क डन पर साइकिल से, ठीक है। कि जब एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है तो कितना वर्क डन हो रहा है एक साइकिल में, वो हमें बताना है, बिल्कुल बता देंगे। उसका फॉर्मूला आ गया क्या, रेशियो है, तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या होता है, E1 माइनस E2, जैसे स्पीड का फ्लक्चुएशन हो रहा था ऐसे ही एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है। और जब हमने स्पीड का फ्लक्चुएशन कर रहे थे बच्चों, तो क्या लिख रहे थे यहाँ पे, N1 माइनस N2 लिख रहे थे, उसी तरह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस एनर्जी का फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, तो E1 माइनस E2 लिख रहे हैं अपॉन वर्क डन पर साइकिल लिख रहे हैं, ठीक है। वर्क डन पर साइकिल, इसका रेशियो आ गया। अब वर्क डन पर साइकिल कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर फोर्स कौन सी है, फ्लाईव्हील पे टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में हो रहा है, थीटा की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब टॉर्क कौन सी लेंगे, मीन लेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन है तो मीन लिया इनटू थीटा। अब टी मीन कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, पी इज इक्वल टू 2π NT/60 से निकालेंगे, यहां से टी मीन फाइंड आउट कर लिया, इस फॉर्मूले से टी मीन आ जाएगा। दूसरा थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा में पता है 2 स्ट्रोक के लिए 2π, 4 स्ट्रोक के लिए 4π, 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, 4π, 2 स्ट्रोक 2π, 4 स्ट्रोक 4π, 2 स्ट्रोक 2π, 4 स्ट्रोक 4π, यह याद रख लेना है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसका कंसेप्ट भी बता दिया मैंने क्यों है ऐसा। अब देखो वर्क डन पर साइकिल का एक और फॉर्मूला आ जाता है, P into 60/N,
पावर तो आप निकाल ही लेंगे, इंटू 60 आप कर ही देंगे, एन कैसे निकलेगा? सिंपल ये रहा एन, एन अगर 100 आरपीएम आ रहा है टू स्ट्रोक इंजन के लिए तो सिंपल पावर कितनी आएगी 100। अगर फोर स्ट्रोक इंजन है आरपीएम में है एन तो पावर स्ट्रोक कितना आएगा? हाफ आएगा। और एन क्या है यहां पे? नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक है पर मिनट, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, तो आप निकाल सकते हैं वर्किंग स्ट्रोक पावर स्ट्रोक। ठीक है, इसको चाहो तो स्मॉल एन लिख लो, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, ये एन की वैल्यू आ रही है, ये वाली जो आ रही है। ठीक है, सो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैम एंड फॉलोवर में स्टार्ट कर रहा हूं, तो साथ में पढ़ेंगे, मजे करेंगे और मजे करते करते पूरा पढ़ डालेंगे, टोम पता भी नहीं चलेगा। आपको मेरे साथ साथ तैयारी भी करते चलनी है। अब इसका न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बीच में आ जाएगा आपका, इससे पहले कैम एंड फॉलोवर्स के लेक्चर्स आपके थ्योरी के आएंगे, डेरिवेशंस के आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी उसमें होंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करते रहिएगा। सो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।